बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर कोई शराब और स्मोकिंग की लत से परेशान है और इन्हीं कलाकारों में एक कलाकार है अजय देवगन। अजय देवगन कितनी मात्रा में शराब और स्मोकिंग करते हैं ये बात इंडस्ट्री में सब जानते हैं। अजय देवगन ना सिर्फ सिगरेट बल्कि शराब भी बहुत अधिक मात्रा में पीते हैं, तो फिर वो इतने फिट कैसे रहते हैं आज हम आपको बताएंगे। अजय देवगन खुद को फिट और तंदुरुस्त रखने के लिए सूर्य नमस्कार करते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि दोस्तों ऐसा उनके फिटनेस ट्रेनर प्रशांत सावंत ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। इसके अलावा अजय देवगन जिम में भी काफी समय बिताते हैं। अजय हमेशा कहते हैं कि बॉडी जिम में नहीं रसोई में बनती है, इसलिए वो अपने खान पान का विशेष ध्यान भी रखते हैं और उन्हें हेल्दी खाना खाने का बहुत शौक है। वो हमेशा ऑयली फूड से दूर रहते हैं। अजय अपनी फिटनेस के प्रति इतने गंभीर हैं कि फिल्म सिंघम के दौरान उन्होंने अपने वैनिटी वैन को ही जिम में बदल दिया था। जब भी उन्हें मौका मिलता था वो अपने वैनिटी वैन में ही एक्सरसाइज करते थे। वो अपनी स्मोकिंग और शराब की लत का कभी भी अपनी बॉडी पर असर नहीं पड़ने देते, क्योंकि जब भी उन्हें मौका मिलता है वो एक्सरसाइज में समय देते हैं। उन्होंने एक बार बताया था कि कॉलेज के समय में वो रम पीते थे क्योंकि उस समय रम काफी सस्ती मिलती थी। बाद में उन्होंने विस्की पीनी शुरू की, लेकिन उन्हें सुबह उठकर विस्की की स्मेल आती थी, जिसकी वजह से बाद में उन्होंने वोदका पीना स्टार्ट किया और पिछले 15 सालों से वो हर रोज 3 से 4 पैक वोदका ले लेते हैं। लेकिन उनकी एक्सरसाइज करने की आदत ने कभी भी उनकी बॉडी के ऊपर शराब का असर नहीं होने दिया, जिसकी वजह से वो आज भी एकदम फिट और जबरदस्त बॉडी के मालिक हैं। न्यूज़ रूम से फिल्मी अड्डा की रिपोर्ट।